जो बी ए सेकेंड ईयर मंगलोर में डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, और पास के गांव के आसफ नगर गांव के दो लड़के उसे रास्ते में परेशान करते हैं। उन्होंने कोई नशीला पदार्थ खिला कर एक दिन उसके फ़ोटो ले लिए और उन फोटो को अब वायरल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो मतलब हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ वरना हम तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और मतलब हमें घर वालों को और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस वालों ने 151 में उसका चालान कर दिया। उसके बाद फिर छूट के आ गया और वो फिर धमकी दे रहा है कि मेरा क्या होगा। तो एक लड़का विकास नाम का जो आपस नगर में रहता है, मुझे एक करीब एक साल से परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। और सर मैंने उसकी घर पे बेइज्जती होने के कारण पहले तो कुछ बताया नहीं, पर उसने नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे मेरे फोटो खींच लिए। और अब 7-8 महीने के बाद जब मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उस फोटो वायरल करके मुझे धमकी देने लगा, कहने लगा कि या तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मुझसे आकर मिलो, वरना तेरे फोटो वायरल कर दूंगा। और जब मैंने घर पे बताया तो उसने सारी जगह फोटो वायरल कर दिए। और सर हमने पुलिस में जाके कंप्लेन कराई तो पुलिस वालों ने भी थाना कोतवाली मंगलोर में उसको एक दिन लॉकअप में बंद करके अगले दिन छोड़ दिया। सर पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरा कॉलेज जाना भी बंद हो चुका है और वह वहाँ से वापस आने के बाद भी बोल रहा है कि तेरे परिवार वालों ने मेरा क्या उखाड़ लिया, अब देखना मैं तेरे परिवार की कैसे बेइज्जती करता हूँ। और सर बोलता है कि तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा मैं, तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरी शादी भी कहीं नहीं होने दूंगा। इसमें कल एक अभियोग पंजीकृत हो चुका है मंगलौर कोतवाली में, और जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें पीड़िता के 164 के बयान, 164 सीआरपीसी के बयान हम कोर्ट में करवाएंगे और उसके तहत हम तफ्तीश को आगे बढ़ाकर इसमें जो भी दोषी होगा उसको हम जेल भेजेंगे।